अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रजा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद देता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में नए मैनेजर कमांड सिखाऊंगा। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों नए मैनेजर कमांड क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों अगर हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे नीचे सम करते हैं इसका, और उस सम वाली फिगर को अगर हम कोई नेम देना चाहते हैं या हम इस रेंज को कोई नेम देना चाहते हैं तो हम नए मैनेजर की कमांड से दे सकते हैं, और फिर उसे जहाँ पे भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये आज मैं कमांड सिखाऊंगा आपको, ये मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है। दोस्तों नेम मैनेजर कमांड सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो। ओके दोस्तों, ये मैंने एक सेल्स शीट बनाई है जिसमें मैंने सेल्स का डेटा दिखाया है। ये प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, कीबोर्ड, माउस, LCD, PC, और ये 2012 की सेल्स दिखाई है, 13 की और ये 14 की मैंने सेल्स दिखाई है यहाँ पे। ओके, अब दोस्तों जब मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ तो ये हमारी एक रेंज कहलाती है। ये जो मैंने सिलेक्शन करी है ये रेंज है हमारी। ओके, अगर मैं इस रेंज को नेम देना चाहूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑप्शन है जिसपे लिखा है नेम बॉक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ C5। इसको मैं क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे नेम देना सेल्स 2012, एंटर, तो आपके सामने देखिए यहाँ पे इस सेल्स 2012 जो एंटर होने के बाद अप्लाई हो चुका है। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पे 2013, इसका मैंने ब्लॉक बनाया, अरेंज किया इसको, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देना चाहूँ SALESALES 2013, एंटर। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ SALESALES 2014। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम नेम बॉक्स पे जाके कोई भी नेम देते हैं तो जो शुरुआत होगी वो होगी अल्फ़ाबेटिकल से। ओके, यानी मैं 2014 पहले नहीं लिख सकता, मैं पहले सेल्स लिखूँगा। ओके, एंटर। अब अगर मुझे चाहिए किसी दूसरी शीट के ऊपर इसका सम, ये जो मैंने 2012 की सेल्स टाइप की हुई है, 2013 और 14, इनका मुझे सम चाहिए किसी और शीट पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2012, 2013 एंड 2014। इन तमाम सेल्स का अगर मुझे यहाँ पे सम चाहिए, ठीक है, इस कॉलम में लेता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू के बाद SUM सम और फिर ब्रैकेट ओपन। ओके, उसके बाद मैंने नेम दिया था सेल्स SALES सेल्स 2012, आपके सामने देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुका है। ओके, तो हमने 2012 की सेल दी, उसको हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, तो आपके सामने यहाँ पे सम आ चुका है। ओके, उसके बाद अगर हमें चाहिए 2013 की, तो सम ब्रैकेट ओपनिंग सेल्स 2013 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, उसके बाद अगर हमें 14 की चाहिए तो सम ब्रैकेट ओपनिंग सेल्स 2014 और ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो अगर हमें कहीं भी चाहिए तो हम इस तरह नेम बॉक्स का यूज़ करके दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा उस ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे जो मुझे इसमें सम चाहिए, ठीक है, इक्वल टू SUM सम सेल्स 2012, ओके, ब्रैकेट क्लोज, इन सब का सम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे भी चाहिए तो मैं वही तरीके से SUM सम ब्रैकेट ओपन सेल्स 2013, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज।
अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे दोस्तों शॉर्टकट कीज यूज करनी है, इक्वल टू के बाद एस यूम सम, और मैं भूल चुका हूँ कि मैंने क्या वर्ड टाइप किया था, तो मैं F3 जो कीबोर्ड पे लिखा हुआ है ऊपर F3, इसको मैं पुश करूँगा, जिसके बाद आपके सामने ये पेस्ट नेम आ जाएंगे। इसमें देखें 2012, 2013, 2014 ये तमाम यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। इसमें से अगर आप चाहें जिसको भी यूज़ करना ओके करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रैंड टोटल करना चाहते हैं, ग्रैंड टोटल इक्वल टू एश्योर सम, उसके बाद सेल्स 2012 कॉमा सेल्स 2013 कॉमा और सेल्स 2014, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, तो आपके सामने 3 हेयर्स का डेटा यहाँ पे आ चुका है। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर आप एडिट करना चाहें कि ये जो मैंने नेम लिखे हैं सेल्स, इसको एडिट करना है, तो फॉर्मूलाज के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे नेम मैनेजर कमांड मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑप्शन आ चुके हैं। हम जो भी नेम बॉक्स में जाके जो भी हम नेम देंगे वो इसमें आ जाएंगे। मुझे एडिट करना है, एडिट, आप एडिट क्या करना है, मुझे नेम में जो मैंने सेल्स का एस जो मैंने टाइप किया था वो मैंने स्मॉल लेटर में टाइप किया था, मैं चाहता हूँ उसे कैपिटल लेटर में टाइप करना, तो मैं कर सकता हूँ चेंजिंग वगैरह। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें सेकंड ऑप्शन यहाँ पे रेंज है, तो रेंज आपके सामने देखें, जब मैंने इसमें क्लिक किया रेफर टू पे तो आपके सामने रेंज आ चुकी है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे एडिट हो चुका है। सेकंड अगर मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, उसके बाद थर्ड उसे भी एडिट कर सकता हूँ। ओके, अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके क्लोज। इसके अलावा अब मैं इन तमाम को सम करूँ अगर फॉर्मूले की मदद से, तो आपके पास यहाँ पे होम पेज में फॉर्मूला मौजूद है सम का, डबल क्लिक करूँगा तो सम हो चुका है, और यहाँ से मैं कॉमा लगा देता हूँ और फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैंने डेसिमल भी हटा दिए हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मूले को, और यहाँ पे मैंने पेस्ट। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं नेम बॉक्स बनाऊँ, यानी नेम जो टाइप करूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जब मैं किसी भी शीट पे, या मेरे बॉस अक्सर पूछा करते हैं कि बताओ कि 2012 की सेल्स क्या थी, या 2013 की सेल्स क्या थी, या 14 की सेल्स क्या थी, ठीक है, अगर मैं इस शीट पे अभी वर्किंग नहीं कर रहा हूँ और मेरे बॉस ने अचानक पूछ लिया, तो मैं किसी भी शीट पे अगर चाहूँ कि सेल्स फ़ौरन पता चल जाए मुझे उस एयर की, तो मैं उसके लिए भी वर्किंग कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे सम होना चाहिए, ओके, आपकी शीट पे टोटल होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है नेम बॉक्स, ओके, मैं इस कमांड को यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, यानी न्यू कमांड से मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, मैं आपको एक यहाँ से भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ यूज़ करके, इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इस पे नेम बॉक्स पे मैं अब लिखता हूँ सम या टोटल 2012, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक करी है, मिस्टेक क्या करी है मैंने, TOTAL टोटल के बाद मैंने स्पेस दिया था और 2012 टाइप किया था, जिसकी वजह से उसने एंटर नहीं किया। तो याद रखिएगा, जब भी हम नेम बॉक्स में कुछ टाइप करेंगे तो हमारे जो अल्फाबेटिकली होगी और नंबर होगी दोनों ज्वाइंट होंगी एक दूसरे से। ओके, टोटल के बाद मैं टाइप करता हूँ 2012, इंटर, अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको सेकंड कमांड भी यहाँ से सिखा देता हूँ, टोटल 2013, इंटर। अब थर्ड कमांड अगर हमें बनानी है, ठीक है, नेम बॉक्स इसमें लगाना है, तो मैं आपको फॉर्मूलाज के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से बता देता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ से भी आपको दे देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ न्यू,
न्यू पे क्लिक करूंगा, न्यू पे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे नेम, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ TOTL टोटल 2014। उसके बाद अगर कोई कमेंट देना चाहूँ तो कमेंट भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेफर्स टू, तो आपके सामने यहाँ पे एड्रेस आ चुका है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्लोज कर दिया मैंने। अब मुझे किसी भी शीट पर डेटा चाहिए, या मैं इसके नीचे ही टाइप कर देता हूँ कि मुझे 2012, 2013 और 2014 की सेल्स चाहिए। इक्वल टू के बाद मैं डायरेक्ट टाइप करूँगा टोटल, तो आपके सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुका है। इसको मैं सिंपल इंटर करूँगा तो फिगर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोबारा इक्वल टू के बाद टोटल, और टोटल के बाद 2013 की सेल इंटर। 14 की चाहिए मुझे, तो मैं सिंपल इसी तरह कर सकता हूँ इंटर। तो ये नेम बॉक्स कमांड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की इसमें ना आपको बता दीजिए इसकी, F3, सिंपल F3। और अगर आप चाहें तो कंट्रोल, अगर आप ये देखिए मैं आपको बता दूं शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल कैसे होगा। अगर आप नेम बॉक्स में जाना चाहते हैं तो इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे दबाऊंगा F3। अगर आप भूल चुके हैं कि आपको क्या डेटा चाहिए तो आप F3 की मदद से आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नेम मैनेजर पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, मैं उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3, यानी अब मैं सिंपल उसमें जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल F3। ओके दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैंने फेसबुक पे भी पेज बनाया हुआ है ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग के नाम से, आप उसे भी लाइक कर लीजिए। और मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है सैयद अयाज रजा के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।